दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तो हम सभी लेना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई गलती से इन स्थानों पर चला जाए तो उसके वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक और रहस्यमय स्थानों से रूबरू करवाएंगे। ये तालाब जापान के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इसमें तैरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसका तापमान 90 डिग्री के आसपास रहता है, जिस कारण इसमें से हमेशा भाप निकलती रहती है। पानी में आयरन और नमक की ज्यादा मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नर्क का द्वार हो। एथियोपिया में स्थित ये रेगिस्तान 62,000 मील तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ की गर्मी धरती पर नर्क का एहसास कराती है। आमतौर पर जहाँ कुछ महीनों के लिए मौसम बदलता रहता है, वहीं इस स्थान पर सारा साल तापमान 48 डिग्री के आसपास रहता है। यही नहीं, कभी कभार तो तापमान 62 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में यहाँ रहने का कोई सवाल नहीं उठता। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस जगह को पृथ्वी की सबसे क्रूर जगह बताया है। इस जगह का रहस्य है यहाँ की जमीन, जो कि बेहद गर्म है। किसी समय यहाँ पर 1400 लोगों की आबादी रहा करती थी, लेकिन साल 1962 में अचानक इस जमीन के नीचे आग लग गई, जिसके बाद ये जगह पूरी तरह खाली हो गई। यहाँ की जमीन पर पेड़ पौधों का जीवित रह पाना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ आने वाले लोगों के लिए चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं। रशिया में मौजूद इस स्थान पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिस कारण यहाँ का औसतन तापमान -10 डिग्री के आसपास होता है। वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान -55 डिग्री तक पहुँच जाता है, और ठंडी हवाओं के चलते यहाँ की ठंड और भी बढ़ जाती है। इसलिए आर्किटेक्ट्स ने इस शहर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर ठंडी हवाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सके। यहाँ फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम चलता रहता है, इसलिए यहाँ की हवा में ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड होने के कारण ये शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ये पहाड़ी इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में स्थित है, और इसमें से लगातार धुआं निकलता रहता है, जो आसमान में 2 मील की ऊंचाई तक दिखाई देता है। इस पहाड़ी के आसपास 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर करीबन 2 लाख लोग रहते हैं। अगर इसमें कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में मुख्य समस्या है यहाँ पड़ने वाली गर्मी, जिससे इसका तापमान 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। 1913 में यहाँ का तापमान 57 डिग्री तक पहुँच गया था। यहाँ साल में औसतन वर्षा 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं। अगर पानी मिलता भी है तो वह बहुत खारा होता है। ये झील अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रवांडा की सीमा पर स्थित है, जिसकी गहराई में मीथेन गैस पाई जाती है। अगर इस जहरीली गैस के बादल झील की सतह से ऊपर आ गए तो इस इलाके में बसे 20 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।